चलो भाई देखो अपने क्या करता। तो और मेरे भाइयों क्या हालचाल। तो बोलो यहाँ पे आप सभी ने देख लिए होंगे कि किस तरीके से ऑटो हेडशॉट मार रहा था। तो भाई आप भी इसी तरीके से ऑटो हेडशॉट मार सकते हो, बट पहले यहाँ पे आप सभी को प्रो सेंसिटिविटी और सेटिंग चाहिए। तो भाई इसीलिए यहाँ पर ये वीडियो है ना, मेरा पूरा यही मकसद होगा कि आपको पूरा का पूरा सेंसिटिविटी और सेटिंग है ना वो सब के सब यहाँ पे मेरी तरीके से रखने को बोलूंगा। एंड हाँ बोलो यहाँ पे ऐसे नहीं कि यहाँ पे अगर आपके पास 2GB मोबाइल हो या आपके पास 12GB से या 50GB तक मोबाइल हो, फिर भी यहाँ पे आपको अपने मोबाइल हिसाब से ही मैं बताऊंगा कि एक एक मोबाइल का नाम लेके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से रखना है। तो भाई इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने रखा है उस तरीके से आप भी रखोगे अपने मोबाइल के हिसाब से। तो अगर मैं बोलूंगा तभी रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुम बताओगे और वैसा ही कि वैसा होगा, फिर आप बोलोगे कि भाई मेरा वन टैप नहीं लग रहा, तो भाई वो नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको एक बार मेरी तरीके से रखना है, उसके बाद फिर मेरे को बताना कि नहीं भाई सच्ची में हेडशॉट पड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी मैं बताऊंगा उसको आपको है ना स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका वन टैप लगेगा जैसे कि मैं मार रहा हूं। तो भाई वो सब कुछ जानने के लिए आप सभी को क्या करना है, बस वीडियो के एंड तक बने रहना है। एंड हाँ भाई यहाँ पे आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट नहीं किया है तो कर लो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चले गए बिना के टाइम वेस्ट किए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो बोले यहाँ पे आपको सबसे पहले ना मोबाइल के अंदर जाके फ्री फायर को ओपन करना है, सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि हमारे जो सेंसिटिविटी होता है ना उसके अंदर सेटिंग भी होता है, तो सेटिंग है ना उसको ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बेसिक के अंदर जाना है सबसे पहले ऊपर के, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप सभी को दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को देख रहे कि हमारा जो रिपोर्ट इश्यू होता है ना दोस्तों, उसको यहाँ पे आपको रिपोर्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे पता है 99 प्रॉब्लम ज्यादा से होता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे है ना मैं मतलब कि रिपोर्ट को है ना ऐसे रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा 99 प्रॉब्लम है ना गरीना खुद ही सॉल्व कर देगी। उसके बाद दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारा है ना जब भी मतलब OB42 अपडेट आता है या तो कोई भी अपडेट आता है हमारी OB का, तो उससे है ना हमारी सेंसिटिविटी मतलब पूरा हमारा कस्टम HUD चेंज हो जाता है, वो सब कुछ चेंज ना हो। इसलिए यहाँ पे ना आप देख रहे हो यहाँ पे सेटिंग स्कैन, उसको आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करके उसके बाद यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो परमानेंट रहेगा जब तक आपके ID रहेगी तब तक। उसके बाद दूसरा सेटिंग ये है कि आपको M प्रोटेक्शन, दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता होगा हमारा सबसे बेस्ट हमारा जो होता है जो मेन रोल मतलब मेन रोल होता है उसका है ना यहाँ पे डिफॉल्ट है। यहाँ पे ऊपर की साइड देखो यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा हुआ है, फुल कंट्रोल लिखा है, उसके बाद स्कोपिंग वाला भी लिखा है, बट यहाँ पे आपको क्या रखना है तो यहाँ पे आप सभी को है ना डिफॉल्ट रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वो ऑटो हेडशॉट मारने के लिए सबसे बेस्ट है। और आपके अपने आप मतलब जूमेश करोगे तब भी यहाँ पे आपके ना बंदे के पास ऑटोमेटिक चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों ना डिफॉल्ट ही रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देख लीजिए कि मैं किस तरीके से सेंसिटिविटी और सेटिंग रखा हूँ, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा सेटिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सीधा डिस्प्ले के अंदर जाऊंगा, डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्मूथ रखा है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देखो स्मूथ है ना 2GB 3GB और 4GB तक मोबाइल है दोस्तों, उन लोगों के लिए यहाँ पे ना स्मूथ सबसे बेस्ट है। अगर स्मूथ के अंदर भी आप और भी अच्छा खेलना चाहते हो यहाँ पे अगर आपको 3GB 4GB के लिए, तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड भी रख सकते हो। अगर स्टैंडर्ड की जगह यहाँ पे आपको 6GB 8GB और ऊपर 12GB तक मोबाइल है तो दोस्तों आप किस तरीके से रखना है, यहाँ पे आपको अल्ट्रा रखना है। बट अल्ट्रा के अंदर आपको किस किस तरीके से रखना है, अगर आपको 8GB से 6GB तक मोबाइल है तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को है ना देखो मैंने स्टैंडर्ड तो रखा है यहाँ पे, मतलब ऐसे रोटेशन वाला है तो प्रॉब्लम मतलब कि ज्यादा नहीं होती है, बट यहाँ पे आपको बस 6GB से 8GB तक मोबाइल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रखा है यहाँ पे ब्राइट, क्योंकि यहाँ पे ना हमें ज्यादा से ज्यादा डार्क नहीं रखना है, ब्राइट रखेंगे क्योंकि बंदा एनिमेशन की तरह दिखेगा तो तुरंत हमें है ना हाईलाइट होगा तो बंदा, इसीलिए यहाँ पे मैंने ब्राइट रखा है। आप सभी ने देखा होगा मैंने किस तरीके से हेडशॉट मार रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे ना बंदे का मतलब कि जो एम होता है वो तुरंत उसके पास चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गन शॉट अलर्ट है, उसके बाद यहाँ पे डबल शॉट, ऐसे कुछ भी बहुत सारे है ऑप्शन, उसको आपको ऑन ही कर देना है। जो तीनों के तीनों ऑप्शन है ना दोस्तों उसको ऑन कर देना है। एंड हाँ बोलो यहाँ पे आपके पास 12GB से प्लस मोबाइल है या तो 8GB से प्लस मोबाइल है तो यहाँ पे आपको मैक्स भी रख सकते हो, तो वो मैक्स भी आपको रखना पड़ता है तो रख लेना, वरना अल्ट्रा सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपको अल्ट्रा पे खेलते हो तो दोस्तों यहाँ पे है ना बंदा का एनिमेशन, बंदे के रोटेशन सब कुछ पता चल जाता है आराम से। उसके बाद दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारा जो नेटवर्क मतलब कि नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम रहता है कि दोस्तों है ना मतलब कि कभी कभी चला जाता है, कभी कभी आता है, तो आपका 99 प्रॉब्लम होता है। अब मैंने आगे तो एक बता ही दिया है कि आपको किस तरीके रखना है, बट यहाँ पे एक फिर भी यहाँ पे गैरिना ने ऑप्शन दिया था तो उसको मैंने ऑन कर दिया, तो आप भी है ना ऑन कर देना। अब बात करेंगे यहाँ पे प्राइवेसी के बारे में दोस्तों,
दोस्तों आप सबको पता होगा कि अलाउ फ्रेंड मतलब कि स्पेक्टर, जितने बंदे हमारे स्पेक्टर में रहेंगे, जितने बंदे हमें देखते हैं, तो वह ना मतलब क्या होता है कि हमारा जो मतलब कि एएम प्रोटेक्शन, उसके बाद सेंसिटिविटी और हमारा जो सेटिंग है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है और हमारे बंदे के ऊपर मतलब कि हेडशॉट मारने का चांसेस ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे सामने वाले बंदे हमें हेडशॉट मारे, बट भाई लोग हम उनको ज़्यादा हेडशॉट मारते हैं। जितना स्पेक्टर हमारा ज़्यादा होता है, उससे हमारा है ना बंदा इतना मतलब कि पावरफुल बन जाता है। इसलिए ना स्पेक्टर आपको ऑन कर देना है। तो आप सभी को ये तो समझ आ ही चुका होगा स्पेक्टर मैंने ऑन क्यों बोला है। उसके बाद आप सभी को पता होगा मैंने सेंसिटिविटी के अंदर आप सभी को बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी के एक थोड़ा सा अनुभव मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब कि दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको किस तरीके से मोबाइल के अंदर सेंसिटिविटी रखना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने फ्री लुक रखा है 100, उसके बाद यहाँ पे स्नैपर स्कोप रखा है 120, एंड हाँ बोले यहाँ पे है ना मैं 4x एंड 2x है ना वो दोनों सामान रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि हमारा जो 4x एंड 2x जो कस्टमाइज्ड के अंदर आता है उसका है ना मतलब कि जो जूमएक्स वाला बटन होता है वो एक ही होता है, तो है ना मैं दोनों सेम रखता हूँ क्योंकि है ना मुझे अच्छा लगता है। तो आप भी मतलब कि आपके लिए भी यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा मैं किस तरीके से ऑटो हेडशॉट मार रहा था, तो भाई आप भी इसी तरीके से ऑटो हेडशॉट मार पाओ। इसलिए यहाँ पे है ना मैं 2x एंड 4x दोनों सामान रखता हूँ। तो भाई ये सब कुछ आपको जानना जरूरी था, इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एंड हाँ बोलो यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊंगा रेड डॉट। रेड डॉट दोस्तों है ना सभी बंदे 200 को 200 ले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अपना बंदे का जो मतलब कि जब भी किसी बंदे पे हम मतलब कि एम करते हैं तो उसका एम दूसरे बंदे पे चला जाता है, वो सब चीज़ें होती है। डाउन बंदे पे ज़्यादा एम चला जाता है, तो वो सब ना हो इसलिए यहाँ पे है ना 200 मत रखना, 195 रखना, क्योंकि यहाँ पे 5% है ना मतलब कि डाउन पड़ा हुआ बंदे के पास एम मतलब कि नहीं जा पाएगा, ये मैं आपसे लिख के देता हूँ। इसीलिए यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे एक और मेन इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे जनरल सेटिंग के बारे में। अगर आपके पास 2GB 3GB 4GB एंड 6GB तक मोबाइल है तो दोस्तों 190 रखना। अगर आपके उससे प्लस मोबाइल है 8GB 12GB एंड उससे भी प्लस ज़्यादा मोबाइल है तो आपको है ना मतलब कि 140 या तो 150 ही रखना, उससे ज़्यादा मत ले जाना दोस्तों, समझ रहे हो। फिर देखना भाई हेडशॉट तो क्या भाई आपके बंदा इतना मूवमेंट करेगा सामने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने किस तरीके से मतलब कि हेडशॉट मार दिया। तो भाई ये सब थी आपकी वीडियो के अंदर जो सेंसिटिविटी और सेटिंग, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे ने ये भी कहा था कि मुझे प्रो सेंसिटिविटी और सेटिंग चाहिए, तो भाई इसलिए ये वीडियो बनाने के लिए लाया। अगर आपको इसी बारे में कोई और भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा मोड़ा भी प्रॉब्लम आता है, तो वो मुझे बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना इंस्टा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दी है, तो जाओ और जल्दी से मुझे कोई भी प्रॉब्लम है बता सकते हो। तो चलिए भाई लोग यही थी आज की वीडियो, और ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना, और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।